सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल का। मैंने सवाल यह था यार कि आपकी नजर में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड किसकी है इंडिया में, तो आप बोला है 54% ने कि एयरटेल इज द बेस्ट, 31% बोलते हैं कि जियो सबसे सही है, बाकी खैर 8% है वोडाफोन आइडिया वाले और 3% है BSNL को सबसे तेज बताने वाले। आज दोस्तों ऐसे मेरा सवाल आपसे खैर बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि आपके फोन में फिलहाल कौन सा प्रोसेसर लगा है, क्या वो एप्पल का है, क्वालकॉम का है, मीडियाटेक का है, सैमसंग वाला एक्सिनोस है या फिर है यूनि सॉक। बताना दोस्तों क्या आपके जवाब, सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बात की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले बड़े को निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को लेके। ये भाई अभी जो है वो लगता है कि जनवरी में लॉन्च होने वाला है। एक बार वापस से दोस्तों लीक्स आने स्टार्ट हो गए इस फोन के, देखते हैं एग्जैक्टली क्या रहती है पूरी कहानी। वैसे हम बात कर रहे हैं 6GB RAM 128GB स्टोरेज, मतलब यू नो बाकी स्पेक्स कर देखते हैं कैसा होता है, लेकिन यार काफी लेट हो गया ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ नो मल्टीपल रीजंस। आप देखते हैं फाइनली सैमसंग इस फोन को किस प्राइस पे क्या स्पेक्स के साथ में लॉन्च करता है। हम यहां पे बात करते हैं अभी सैमसंग के गैलेक्सी टैब ए किड्स को लेके। ये दोस्तों बच्चों के लिए एक टैबलेट जो है वो सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है। 8.7 इंच डिस्प्ले है, 5100mAh की बैटरी है और यहाँ पे दोस्तों ये टैब A7 लाइट जो था उसी का थोड़ा सा ऐसा ट्वीक दिया एक वेरिएंट है, थोड़ा सा आपको ऐसे नो फंकी कलर्स थोड़ा सा ऐसा नो डिफरेंट डिजाइन के साथ में मिलता है। वैसे बच्चों के लिए टैबलेट्स वगैरह जो है वो काफी अच्छे रहते हैं कई बार नो एक्स्ट्रा लर्निंग वगैरह के लिए अगर उनको ठीक से इस्तेमाल किया जाए। हमारे पास में यहाँ पे अभी Xiaomi 12 जो है भैया इसके भी लीक्स निकल के आ गए हैं। कर्व्ड डिस्प्ले दोस्तों इसमें होने वाला है और बाकी अगर कुछ ऐसा रहेगा सीन Xiaomi 12 का। फिर हम बात कर रहे हैं 12 Pro, फिर हम बात कर रहे हैं 12 Ultra, मतलब मल्टीपल वेरिएंट्स, मल्टीपल स्मार्टफोन्स और मजा भी फिर मल्टीपल ही आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अभी वैसे लीक जो है OnePlus Nord 2C 5G के जो रेंडर्स हैं वो भी हो गए हैं। यहाँ पर दोस्तों इसमें देखते हैं कुछ ऐसा डिजाइन होने वाला है जहाँ पे आपको दो मिल रहे हैं मेन कैमरा के लिए स्पेसिस, दोस्तों कोने में लगाया गया है वो शायद मैक्रो या डेप्थ के लिए होगा। खैर लेट्स सी कि कैसा रहता है पूरा सीन और आखिर OnePlus अपने इसी अपकमिंग Nord सीरीज के स्मार्टफोन को कब तक लॉन्च करता है। यहाँ दोस्तों बात करें अगली खबर की निकल के आती है मीडियाटेक की तरफ से और ऐसे में दोस्तों अगर हम माने काउंटर पॉइंट रिसर्च के इसी अपडेट को तो Q3 में भी मीडियाटेक जो है वो क्वालकॉम से आगे रहा है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी एसओसी मार्केट की तो मतलब मीडियाटेक लगातार लीड ले रहा है क्वालकॉम से। फ्यूचर में अगर देखते हैं दोनों में से ज्यादा आगे कौन निकल पाता है और किस तरीके से। अगला अपडेट निकलता है सीधा ओप्पो के एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक वाले फोन दोस्तों, ऐसे दोनों काफी डिफरेंट से पेटेंट को लेकर जहां पर हम बात कर रहे हैं ड्यूएल डिस्प्लेज की, अंडर स्क्रीन कैमराज वगैरह की, तो कुछ ऐसा एक स्मार्टफोन ओप्पो प्लान कर रहा है। देखते हैं कि आखिर ये फोन हमको कब तक देखने को मिलता है और आखिर इसमें क्या कुछ नए नए फीचर्स होते हैं। वैसे मतलब आपकी नज़र में सिंपल फोन या ऐसा फोल्डिंग या रोलिंग फोन आप किसको पसंद करते हैं नीचे मुझे कमेंट करते हुए जरूर बताना। वैसे यहाँ पे भैया अभी क्रिप्टो स्कैम जो है ना वो बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ रहे हैं, जहाँ पे अभी 87% जो है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब काफ़ी जो है वो लोगों के साथ दोस्तों तरह तरह के क्रिप्टो स्कैम हो जाते हैं छोटे और बड़े अलग अलग लेवल पे। कि आपके साथ में कभी कोई स्कैम हुआ है वैसे इस टाइप का, भगवान करे वैसे ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अपना पासवर्ड वगैरह जो है चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा मजबूत वगैरह बना के रखा करो। हमारे पास में अभी एप्पल जो है वो अभी रिपोर्ट्स की अगर माने तो यार अपनी खुद की चिप्स दोस्तों बनाने वाला है 5G और वाईफाई वगैरह के लिए। मतलब अभी तक दोस्तों जो है वो एप्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वालकॉम या इंटेल वगैरह के मॉडम्स वगैरह को यूज़ करता था, लेकिन अभी एप्पल अपना खुद का पूरा सेटअप करने वाला है 5G और वाईफाई के लिए। शायद इसमें आगे चल के क्या पता सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली जो हम बातें सुन रहे हैं वो भी एप्पल इंप्लीमेंट कर देगा। अगली खबर निकल के आती है सीधा सैमसंग के एक पेटेंट को लेके, जहां पे हम बात कर रहे हैं फोल्ड और रोल के ऐसे मिक्स की, जहां पे दोस्तों फोन जो है वो रोलिंग डिस्प्ले के साथ भी आएगा, फोन फोल्डिंग डिस्प्ले वाला भी होगा। तो मतलब काफी कुछ नया क्रेजी काम सैमसंग प्लान कर रहा है। अगर ऐसा कोई फोन निकल के आता है तो मतलब आई मीन काफी डिफरेंट सा ही होगा कि आपने उसको पहले रोल किया, फिर फोल्ड किया, फिर अनफोल्ड किया, फिर अनरोल किया, मतलब
मोबाइल फोन है इतना सा, उसी के अंदर सारे कर्तव्य हम मिलके कर पाएंगे। अगला अपडेट आता है सीधा यहाँ पे वावे के स्मार्ट ग्लासेस को लेके। यहाँ पे दोस्तों ये भी लॉन्च होने वाले हैं 23 दिसंबर को, जहाँ पे ये आने वाले हैं स्वैपेबल लेंसेज के साथ में। आई मीन स्मार्ट ग्लासेस होंगे, आप अपने हिसाब से दोस्तों जो प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज है वो आप चेंज कर सकते हैं, और अगेन काफी सारे स्मार्ट फीचर शायद हमको देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पे अभी जो देखने को मिलेगा वो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में कुछ नया, जहाँ पे दोस्तों इसने टीज कर दिया है पार्टनरशिप को स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ में। आई मीन यहाँ पे दोस्तों इन दोनों ही गेम्स के अंदर मिलके कुछ नया होने वाला है, जहाँ पे एक क्लियरली दोस्तों आपके सामने है बीजीएमआई वाला हेलमेट, जहाँ पे दोस्तों पूरे आपको वेब्स देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया दोनों मिलके काफी कुछ नई पार्टनरशिप शायद करने वाले हैं, और गेम में थोड़ा सा और ज्यादा नया मसाला ऐड हो जाएगा। हमारे पास में अगली खबर निकल के आती है सीधा 5G ऑक्शंस को लेके। भैया इंडिया जो है दोस्तों उसमें 5G ऑक्शंस और डिले हो गए ऐसा लगता है, मतलब यू नो अभी ये अप्रैल में नहीं हो पाएंगे दोस्तों, ये होंगे जुलाई के महीने में। तो लगता है कि 5G आते आते 2023 ही हो जाएगा, मतलब काफी लंबा इंतजार हम अभी तक कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन लोगों के पास 5G फोन है वो इंतजार करते हैं कि भैया कब आएगा इसमें 5G का सिग्नल, कब आएगा 5G का नेटवर्क। इंतजार शायद थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा हमारे पास में। वैसे अभी यहाँ पे SK हाइनिक्स ने भैया जो है वो अचीव कर ली है 24GB के LPDDR5 नो चिप डेंसिटी दोस्तों। यहाँ मतलब सिंगल मॉड्यूल में 24GB की कैपेसिटी, और ये दुनिया में सबसे पहला काम करके दिखाया है SK हाइनिक्स ने। मतलब अभी हमको और ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाले रैम स्टिक्स देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, खैर देखते हैं आखिर। अभी ना आपको पता है वैसे एप्पल का जो मैक प्रो आता है उसमें अप टू 1.5 TB की आप रैम लगा सकते हो, 1.5 TB की रैम। जी हाँ, आई एम नॉट किडिंग। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है मेटा को लेके, और यहाँ पर दोस्तों मेटा ने भैया वार्निंग दी है 50,000 यूजर्स को, जहाँ पर दोस्तों ये बोलता है मेटा कि भैया टारगेट किया गया है बहुत सारी स्पाई फर्म्स के द्वारा, और ये जो है ये जर्नलिस्ट वगैरह मतलब काफ़ी ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं जो 50,000 नो अकाउंट्स को टारगेट किया गया है। लुक हु इज टॉकिंग, तो अब क्या ही बोले आगे, सिक्योरिटी सेफ्टी के मामले में आप तो जानती हो हाउ इट ऑल वर्क्स और कैसे है पूरा सीन प्राइवेसी का इंटरनेट की दुनिया पे, खासकर से मेटा वगैरह के साथ में। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अगला अपडेट निकल के आता है नासा को लेके, और यहाँ पर दोस्तों नासा जो है वो एंटर कर चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सोलर एटमोसफियर। तो यहाँ पर दोस्तों अभी और नई नई डिस्कवरीज हमको देखने को मिलेंगी, काफ़ी कुछ नए नए हमको अपडेट्स देखने को मिलेंगे। दिखते हैं वैसे कि फ्यूचर में और हम स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह के मामले में क्या कुछ नया नया कर पाते हैं। यहाँ पर खैर लास्ट अपडेट निकल के आता है व्हाट्सएप के बारे में, जहाँ पर अभी जो ग्रुप एडमिन्स हैं भैया उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ने वाली है, जहाँ पर दोस्तों वो ग्रुप में अभी मैसेजेस वगैरह चाहे वो किसने भेजो उनको डिलीट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यार ये जो ग्रुप एडमिन उनके पास में एक स्पेशल टूल आएगा, भैया कोई मैसेज भेजेगा ना एडमिन की मर्जी है, डिलीट तो डिलीट, रिमूव तो रिमूव, तो वो काम एडमिन कर पाएगा कि मैसेजेस को रिमूव कर पाएगा। व्हाट्सएप के अगले अपडेट में ये चीजें होने वाली हैं दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे बनकर मत भूलिएगा। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।